तो निकाय का जंग जारी है और निकाय की जंग में पहुंचे हुए वार्ड क्रमांक 44 भिलाई नगर निगम में हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जी है। मानवेंद्र सिंह जी, कैसा दिख रहा है, किस तरीके से टक्कर रहेगा, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, टक्कर का तो मैं समझता हूँ कोई विषय ही नहीं है। मैं स्थानीय हूँ और जनता का विश्वास मेरे ऊपर है ना, इसलिए मैं चुनाव जीत रहा हूँ। आंकड़े क्या दिख रहे हैं? आंकड़े देखिए, मैं जनता के बीच जा रहा हूँ, जो समर्थन उनका दिख रहा है। आज देखें, मेरी एक सभा थी, जनता का जो मतलब हुजूम उमड़ा था और जो जनता का आशीर्वाद और प्यार मिला मुझे, मैं समझता हूँ कि जीत तो पहले से मेरी सुनिश्चित है। बड़ी बात, देखिए 4 बूथ है यहाँ पर, कौन कौन से बूथ ऐसे लग रहे हैं जहाँ पर पकड़ है और भारी जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं पहले भी पूर्व में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा हूँ और बहुत अच्छा मुझे वोट मिला था। पिछले बार भी 2 बूथ मेरे जो पिछले जीते हुए हैं, इस बार इस वार्ड में जुड़ गए हैं। 2 बूथ जो बगल के वार्ड के थे, वहाँ भी मेरे लोग मतलब हैं, वहाँ पे मुझे वहाँ भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं पूरे मतलब राजनीतिक मेरे जीवन काल में मैं लोगों से हमेशा जुड़ा रहा हूँ। मैं जमीनी स्तर का कार्यकर्ता रहा हूँ और हमेशा जमीन से जुड़ कर रहा हूँ। इस पर जो है जनता जो है जानती है कि कौन जमीन से जुड़ा हुआ है, कौन हमारे साथ रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा, जनता ये जान रही है और ये समझ बूझ कर मुझे वोट करेगी। मंगल जी, बात करें सबसे बड़ी बात, तो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से है और आने वाले समय में किस तरीके से बेहतर होगा? आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता का सुझाव आ रहा होगा, जनता की समस्याएं हो रहेंगी, क्या क्या समस्याएं अभी भी वर्तमान परिस्थितियों में वार्ड क्रमांक 44 में देखने मिल रहा है? देखिए, श्रमिक बाहुल क्षेत्र है, यहाँ पर समस्याओं का अंबार है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की नालियाँ गंदी हैं, कहीं सड़कें उखड़ी हुई हैं, कहीं पानी का समस्या है, कहीं बिजली का समस्या है, मतलब समस्याओं का अंबार है। कहीं राशन कार्ड किसी का नहीं बना है, किसी का गरीबी की रेखा का कार्ड नहीं है, किसी का पेंशन नहीं मिल रहा है, ये सारी समस्याएं हैं। तो मैं जाता हूं, लोग मुझे बताते हैं और जो समस्या मेरे हाथ में अभी पार्षद बनने से पहले आ रही हैं, जो मेरे हाथ में है, मैं उनको दूर करवा देता हूँ। तो मैं तुरंत तो उसको तत्काल निगम के अधिकारियों को मैं कहता हूँ और वो आके यहाँ पर काम करवा देते हैं। विपक्ष में की बात करते, विपक्ष में दया सिंह है, बड़ा बाहुबली नाम चेहरा सामने आता है, क्या लगता है बाहुबली इस बार? देखिए, जनता जनबल के साथ रहती है, धनबल के साथ नहीं रहती है। धनबल से चुनाव नहीं जीता जाता। अगर ऐसा रहता तो आज के डेट में मैं समझता हूँ कि अंबानी जी प्रधानमंत्री रहते, तो इसलिए धनबल का कोई प्रभाव नहीं होता है। जनता जो चुनती है किसी को ना, तो वो सारा चीज़ देखकर चुनती है, अपने हित को देखकर, अपने वार्ड के हित को देखकर चुनती है। जयसंघ की बात करें तो कई सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जो जनता के बीच में बैठ कर उनके पैर छू करके छत्तीसगढ़ी में बात करके वोट मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका ये जो तरीका है, क्या सफल हो पाएगा? नहीं नहीं, देखिए बनावटी चीज़ें सबको पता है कि वो ज़्यादा नहीं चलती हैं। जो चीज़ वो आपके व्यवहारिक रूप में हमेशा आपके साथ रहता है, वो हमेशा जीवन भर आपके साथ चलती है ना। तो दिखावे के तौर पे छत्तीसगढ़ी बोलना, पैर छूना और ये सब जो है ना, मैं समझता हूँ जनता के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। किस तरह, क्या कुछ भूपेश सरकार के 3 साल के कामकाज, देवेंद्र यादव के कामकाज, क्या लगता है बेनिफिट मिलेगा, विकास हुआ है 5 सालों में? बिल्कुल बिल्कुल, विकास बहुत हुआ है। आज जिन गलियों में पानी 10 साल में नहीं पहुंचा था, उन गलियों में घर घर तक पानी पहुंच रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र में जहां पे अंदर में पाइपलाइन नहीं बिछी है, वहां तक पानी नहीं पहुंचा, वो काम मैं करूंगा। और आप जाएंगे खुर्सीपार में, जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको जो सड़कें और जो गार्डन आज दिख रहे हैं, वो कांग्रेस सरकार की देन है। और कहीं ना कहीं अब जो खुर्सीपार और सेक्टर में जो अंतर, जो फर्क था, वो उसको भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पे खत्म कर रही है। विकास की गंगा यहाँ पे बह रही है। अंतिम सवाल है, शराब भट्टी बंद हो गया है, हट गया है, कैसा लग रहा है? जी, दया सिंह बोल रहे, मैं मेरे जब मैंने हटवाया। नहीं नहीं, देखिए श्रेय लेने की राजनीति है ये, भाजपा के लोग हमेशा से यही करते आए हुए हैं और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। जो चीज़ आपने नहीं किया उसको साफ कहिए कि मैंने ये नहीं किया है, ये सरकार के तरफ से हुआ है। और हमने देखिए जनता की ये मांग रही है 3 साल से, शराब भट्टी को लेकर विरोध रहा है। शराब भट्टी आज हटी है तो इसकी प्रक्रिया 1 महीने पहले से चल रही थी ना, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं हमने बनाया, हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था ये। इसका जो है श्रेय मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ है ये जनता के भले के लिए हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मानवेंद्र सिंह, जिनका कहना है कि जो तमाम मुद्दे हैं, धनबल नहीं बल्कि जनता का समर्थन जिनको मिलेगा, उनका जो है यहाँ पर पार्षद चुने जाएंगे। कैमरा पर्सन सोनू साहू के साथ आज उनके टिकट शर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़।